अभी हम लोग आ गए हैं कोयल नदी, ये है हमारा डाल्टेंज का पहला पार्क। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, तो जैसा आप लोगों ने इसके पिछले वीडियो में देखा था, हमने ये एमआई का ट्राइपॉड मंगाया है। पकड़ने में काफ़ी हैंडी है, काफ़ी ग्रिपी है, कहीं कहीं रबड़ भी यूज़ हुआ है जो स्मूथ टच इसको देता है, और ये इतना एक्सटेंड होता है जो कि एनफ है, और ये ट्राईपॉड में भी चेंज हो जाता है। ये इसका ट्राईपॉड, हम लोग इसका अनबॉक्सिंग कर लिए, इसका टेस्टिंग कर लिए हैं और सारा टेस्ट हो गया, हम लोग को काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। एक दो कमेंट आया था, आप लोग घर का नहीं बाहर का ब्लॉग बनाया करो, बाहर का ब्लॉग ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गैस हम लोग अभी बाहर का भी प्लान करेंगे, काफ़ी जल्दी हम लोग का लॉन्ग टूर भी आएगा। तो गैस बाइक जो है काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है, ये देखो काफ़ी मिट्टी लग गई है, काफ़ी गंदा हो रखा है। ये इसको थोड़ा करते हैं साफ, क्योंकि ऐसे जाने में अच्छा नहीं लगता है ना बाहर। बाइक अभी रेडी हो चुका है, पूरी तरह से धुल चुका है, और अभी हम जाएंगे नहाने, नहा करके आते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं। तो गैस अभी मैं नहाने गया था, नहा करके छत पे आ गया, और काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे धूप आया है, तो अभी हम धूप सेक रहे हैं। अभी हम भी उतना ऊपर क्या कर रहा है, वाह वाह, इसका कारनामा देखो, गिरेगा ना वहाँ से, सीधा सर फट जाएगा। उतरो उतरो उतरे कैसे उतरो, जैसे ऊपर गया था वैसे उतरो। मैं सुपरमैन अभी उतारने जा रहा हूँ, देखिएगा कैसे। अरे यार हमको उतारो, अरे हम कैसे रहे हैं, चल पाएंगे, अरे कैसे उतरे यार, अरे तुम गिरेगा आज, मम्मी से बोलेंगे हम, यही काम करता है। गिर जाएगा, अब उतरेगा, छोड़ो आराम से, हाँ उतरो उतरो। हेलो गाइस, तो अभी नीचे फटाफट आकर के हम रेडी हुए हैं, क्योंकि अभी ऋषभ का फोन आया था, और वो फोन किया कहीं घूमने चलना, ऐसे भी मेरा घर पे मन नहीं लग रहा था फिलहाल, अभी धूप सेक रहे थे, आप लोग देखे ही हैं, तो फिलहाल मन नहीं लग रहा है, कुछ बाहर का प्लान करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं कहीं घूमने, तो फिर मिलते हैं आपसे बाहर। हम और ऋषभ आए हुए थे डाल्टेन में च्याकी पहाड़ जाने के लिए, लेकिन रास्ता कुछ ऐसा ब्लॉक है, और सारे लोग बाइक यहीं पीछे लगाए हैं, लेकिन हमारे में इतना हिम्मत है नहीं कि पैदल हम लोग उतना दूर पहाड़ पे चढ़े। यहाँ से इस रास्ता को ऐसे ब्लॉक कर दिया है, पता नहीं क्या रीज़न है, उतना दूर जाना है, तो अभी इतना हिम्मत है नहीं कि च्याकी पहाड़ में उतना दूर पैदल जाएँ। क्राउड ज़्यादा लग रहा है। हाँ क्राउडेड है, भीड़ भी है। डीएवी स्कूल का लड़का यही भेड़ी मार का। अरे डीएवी खुद भाई लोग भी है ना, बंक मारेगा च्याकी पहाड़ आ जाएगा। गाइस ये हमारा डाल्टेंज का पहला पार्क, और यहाँ पे घूमने आए हुए थे यही है पार्क, बट आने के बाद पता चला, भैया बताएं कि अभी कोविड के चलते पार्क बंद है, तो अभी कब तक खुलेगा लगभग? देखिए कोरोना बाद खुलेगा, कोरोना मतलब जब तक रहेगा तब तक नहीं खुलेगा, देखते हैं कब खुलेगा। सोचे थे आज घूमेंगे, आज देखेंगे भाई क्या करोगे, हो गया पोपट बन गया, उधर इधर भी हो गया, च्याकी पहाड़ गए थे उधर भी बैरियर लगा हुआ है। ये हमारा डाल्टनगंज का एयरपोर्ट, कंस्ट्रक्शन अभी चालू है। आज हम लोग और कोई जगह मिला नहीं, हम लोग आ गए हैं डाल्टनगंज का एयरपोर्ट, यही है, यहाँ पे एयरपोर्ट है, बस यहाँ प्लेन उड़ने के सिवा बाकी सब कुछ होता है। प्लेन नहीं उड़ता है, बाकी सारा चीज़ होता है। ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, नहीं हम लोग भी इंतजार में हैं। अभी हमेशा कंस्ट्रक्शन में है, कंस्ट्रक्शन चालू है, बहुत सालों से चालू है, पता नहीं कब होगा। डाल्टेन में किसी को बाइक सीखना हो, किसी को कार सीखना हो, वो आ जाते हैं। हम लोग यहाँ दोनों के दोनों बोर हो रहे हैं,
समझ में नहीं आ रहा क्या करें, घर पे ही मन नहीं लग रहा था, बाहर भी मन नहीं लग रहा है, पार्क वार्क भी बंद है पूरा। सोचे यहाँ डालटेन में चाह की पहाड़ है वहाँ जाएंगे, वहाँ भी बैरियर लगा के रखा हुआ है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। इधर सिर्फ आज यहाँ भी कोई क्राउड नहीं है, ऐसे हमेशा क्राउड रहेगा, कोई क्राउड नहीं है, बस थोड़ा मोड़ा जो कार वार सीखने वाले हैं, देखो उन लोग कार बस सीख रहे हैं, और कोई क्राउड नहीं है, यहाँ पे ही बोर ही हो रहे थे। तो गाइस हम लोग यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कि यहाँ के बाद कौन सा प्लान, क्या कहाँ जाएंगे, क्योंकि दिन भर बोर हो रहे हैं, उधर भी बोर हो रहे थे, इधर भी बोर हो रहे हैं। हम लोग निकले थे बोरियत दूर करने, बोरियत तो दूर हुआ नहीं, लेकिन दूर करते करते हम लोग को भूख जरूर लग गई। यहीं पे देखते हैं क्या मंगाना, क्या खाओगे मेरे लिए, क्या मंगाना है। हम लोग फाइनली ऑर्डर कर दिए हैं, अब वेट है खाने का, आएगा खाएंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ और बोरियत दूर होगा। हम लोग का खाना आ चुका है, अब चलते हैं खाना खाने, क्योंकि बहुत जोर से भूख लगा हुआ है। पेट तो हम लोग का भर चुका है, और अभी जस्ट हम लोग यहाँ से निकले हैं, तो अब देखते हैं कहाँ जाना रहेगा। अभी तो काफ़ी शाम हो गया है, 5 बज चुका है, तो अभी देखते हैं कहाँ जाएंगे। सर्च करिए आकाश सिंह ब्लॉग्स AKASH, तो गाइस सीख लो आप लोग ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहिए, और रास्ते में हम रुक रुक करके अपना सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं। आकाश सिंह GH ब्लॉग्स, तो गाइस हम लोग ऐसे रुक रुक कर सब्सक्राइबर अपना बढ़ाते हैं, अभी हम लोग का 1 सब्सक्राइबर हो गए, थैंक यू भैया। गाइस अभी हम लोग आ गए हैं कोयल नदी, ये है हमारे डाल्टेंज का कोयल नदी, कुछ ऐसा दिखता है। फिलहाल हम लोग यहीं अपना टाइम पास करने आए हैं, ये है पूरा यहाँ का व्यू। नदी के किनारे आए हैं तो काफ़ी ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, आज का दिन जैसे तैसे कट गया ना, जैसे तैसे कट गया ना। अभी ऋषभ को बहुत ठंडा लग रहा था, वे अपने घर चल गया था जैकेट लेने, उसका घर बस वो पूल के पार है, हम लोग पूल के इस पार रहते हैं, और ऋषभ का घर उस पूल के उस पार है, उस पार से आता है हमारे लिए, हमसे मिलने। अभी ऋषभ के भाई का फ़ोन आ गया है, अब जाना पड़ेगा घर इसको भी, और हम लोग काफ़ी टाइम से बाहर हैं, तो अभी हम भी निकले हैं घर। तो अभी हम घर पे आ चुके हैं, और अभी कपड़ा वपड़ा चेंज करते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं रात के 1, और अभी मेरा वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हुआ है। 3 घंटे लगे आज वीडियो एडिट करने में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो था, बहुत फालतू क्लिप्स थे, तो लंबा वीडियो लोग बोर हो जाते हैं ना, तो बहुत सारा वीडियो काटना था, तो काफ़ी टाइम लगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट प्लीज़। बाय, गुड नाइट।